क्या राजनीति में होते हैं षड्यंत्र या षड्यंत्रों से शुरू होती है राजनीति, मैं बताऊंगा आपको राजनीति के पीछे की बात। देखिए मेरे साथ रफ्तार न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। ये आपका वोटर लिस्ट का वो हम लोगों को करते रहे, कराते रहे, और हर घर की समस्या को हम लोग अपना समझते हैं। हर समाज वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, सबका हम लोग काम करते हैं, इसलिए लोगों से प्यार है। हम लोग सभी लोगों को क्षेत्र में अपना अपने परिवार के ही समझते हैं, इसलिए लोग याद करते हैं। इतना लोगों का काम कराया अपने, पूर्वांचलवादी आपके प्रति ज़्यादा उतावला है कि हमारे एस के पुरी जी को टिकट मिले, एस के पुरी जी हमारे अच्छे हैं, इतनी खामियां आपके अंदर हैं कि लोग इतना आपको चाहते हैं, इसकी खासियत क्या, लोगों को आपने प्रेरणा दे दी कि इतना लोग आपको चाहते हैं? देखिए बात ऐसा है कि राजनीति में राजनीतिक अनुभव होना बड़ा जरूरी होता है, और आजकल का एक ऐसा है कि जो लोग नए आ जाते हैं उनको राजनीतिक अनुभव नहीं होता है। जनता में किस तरह का मैसेज देना है, जनता के किस तरह से कार्य करना है, और सौहार्द बनाकर प्रेम के साथ उनका काम भी होता है, और थोड़ा रिस्पेक्ट रिगार्ड करेंगे आम जनता जनार्दन को तो लोग याद करते हैं। इसका बहुत सारे देख रहे हैं, और सब पार्टी के जैसे आप पार्टी है और कांग्रेस है, अब ये लोग अर्जेंट हो चुके हैं और इन लोगों को कोई व्यवहारिकता नहीं है, इसलिए जनता इनको उतनी लाइक नहीं करती है, और इन लोगों का हारने का कांग्रेस का विशेषकर यही कारण रहा। और आज आप पार्टी है, अब इनके विधायक कहाँ हैं, तो अभी 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे, और बच्चों का स्कूल होता है 7 बजे का, पेरेंट्स चले जाते हैं, वेट करते हैं, नहीं आते हैं, दिहाड़ी खराब होती है, मजदूरी खराब होती है, तो उनको बड़ा पिंच होता है। और नेता का ये कल्चर नहीं, चाहे बाथरूम में रहे, चाहे घर में रहे, चाहे सोकर उठ करके जनता का काम करता है, एक साइन दस्तखत ही तो करना होता है, और अगर बन सके तो उसको पानी चाय पिलाएं तो वो समझता है कि बड़ा हमारे को इज्जत मिली, हमारा काम भी हुआ। ये सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए राजनीति में, इसीलिए राजनीतिक स्तर बहुत गिर चुका है आज। लोगों का ध्यान जनता की तरफ ना हो करके वोट कुर्सी की तरफ होती है, और मतलब क्षणिक एक कहा जाए यूं कहेंगे कि वो गरिमा नहीं रही राजनीति की, जबकि राजनीति में गरिमा की जरूरत होती है, व्यक्तित्व की जरूरत होती है, अनुभव की जरूरत होती है, और ज्यादा से ज्यादा जनता के काम करने की क्षमता उस नेता में हो, इसलिए वो ललायत रहे कि मैं भी कर दूं, वो भी कर दूं, ताकि आम जनता संतुष्ट रहे और खुश रहे। हम अगर उसके बीच जाएं तो वो हमें समर्थन करे, हमारी पार्टी को मजबूत करे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मजबूत करे, प्रधानमंत्री को मजबूत करे। तो बहुत सारी बातें आती है, जैसे आज नरेंद्र मोदी जी का एक एग्जाम्पल ले लो, वो गुजरात से चले, गुजरात में 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अपार उन्होंने काम किया, बहुत पॉपुलर हुए, वो पॉपुलर होकर के फिर आज राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बहुत बड़ी ख्याति हुई, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दूसरी बार भी बन गई, और पूरी विश्व में उन्होंने एक लीडरशिप का एक अपना वजूद दिया। भारत का जो आज इतनी बड़ी एक वैश्विक बाजार जो बना है, और भारत की तरफ दुनिया के तमाम देश, चाइना हो, अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, इंग्लैंड, ये सब देख रहे हैं, तो ड्यू टू मोदी, तो उनकी अपनी एक लीडरशिप है, और ये लीडरशिप हमें सिखाता है कि जब एक देश का प्रधानमंत्री आराम नहीं करता, काम नहीं, मतलब काम ही काम वो व्यक्ति के जहन में हो, तो उससे देश मजबूत होता है, राष्ट्र मजबूत होता है, और जनता जनार्दन को भी एक दिशा और दशा मिलती है, जिससे देश की विकास होता है, राज्य का विकास होता है, क्षेत्र का विकास होता है। तो ये विकास के लिए ही नेता होता है, ताकि जनता की विकास, हम लोगों की भावना है। पूर्वांचल के लोग आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं, पूर्वांचल के लोगों को आपने क्या प्रेरणा दे दिया है कि पूर्वांचल के लोग आपसे ज्यादा प्यार करते हैं? देखिए पूर्वांचल के लोगों को बहुत सारी समस्या थी, जब वो खेत खलिहान से होकर के हजारों किलोमीटर दिल्ली आए, उनके पास सर छुपाने की कोई छत नहीं होता था,
कोई उनकी दुकानें पक्की नहीं होती थी, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या थी, उनके बच्चे साथ में थे, शिक्षा की समस्या थी, स्वास्थ्य की समस्या थी। उसमें हम लोगों ने बहुत काम किया, उन लोगों को मकान दुकान अलॉटमेंट कराए दिलाए, उनके साथ काम किए, उनकी फिर वो आबाद हुए, उनकी दुकानदारी चली, बच्चों के एडमिशन कराए। बहुत सारी उनकी समस्या थी, उनकी राशन कार्ड का था, आधार कार्ड का था, वोटर लिस्ट का था, ये दिल्ली में एक तरह का ये पासपोर्ट है, ये प्रमाण पत्र है, और इसके लिए वो बहुत व्याग्र रहते थे। अब तो आसानी से उनके बीच में हम लोग कराते चले गए, इसलिए वो हमारे वो अच्छे एक परिवार में था, उनकी सुविधा हल हुई, इसलिए हमें ज्यादा वो चाहते भी हैं। अच्छा, पूर्वांचल के लोगों को सर नए साल पे क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पूर्वांचल के लोग हैं, और पूर्वांचल के हैं क्यों, सभी हम अपने क्षेत्र के जितने हमारे नागरिक पूर्वांचल के हो, राजस्थान के हो, पंजाब के हो, गुजरात के हो, महाराष्ट्र के हो, समचा आसाम के हो, सभी लोगों का हम यही देंगे कि उनकी मंगलमय जीवन व्यतीत हो और उनकी विकास हो, उनके परिवार की समृद्धि, उनके बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा मिले, और आगे चल करके वो लोग हमारे क्षेत्र के साथ साथ इस दिल्ली राज्य का उत्थान करें, विकास का काम करें, यही मेरी शुभकामना है नए साल।